हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये त्यौहार अच्छे से बनाना एंड सेफ रहना, सुरक्षित रहना। दोस्तों बात करेंगे चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की। चंडीगढ़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखी हैं। अब मैंने चंडीगढ़ की ईवी पॉलिसी क्या है वो मैंने पूरा समझा रखा है कुछ वीडियोस में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आज के मुद्दे की। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए हुआ क्या था कि चंडीगढ़ की जो ईवी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में जो नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होना था वो सिर्फ़ और सिर्फ 65% ही होना था, बाकी बचा 35% वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होना था। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 10 फरवरी से पहले पहले 65% नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है चंडीगढ़ में, बाकी बचे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो 10 फरवरी से 31 मार्च तक जितने भी टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा चंडीगढ़ में वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होगा, नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो ये कहा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो दोस्तों इसको देखते हुए फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन पहुँच गया कहाँ? चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जो कि पंजाब एंड हरियाणा का एक हाई कोर्ट है उसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोलते हैं, चंडीगढ़ में है। तो फाडा पहुंच गया वहां पर अपनी पेटिशन को लेकर के, ये कि ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये पॉलिसी बना रखी है, ये जो रूल है ये पूरी तरीके से अगेंस्ट है ऑटोमोबाइल डीलर्स के खिलाफ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अगेंस्ट में एक तरह से रूल बना गया है। तो इस पेटिशन को लेकर के चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा फाडा, तो वहां तक पहुंचा लेकिन वहां अभी सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट में थोड़ा समय लगता है। तो फाडा ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया साथ के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में अब हुआ क्या ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मैं आपको बता दूं जिस पीठ के सामने सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब जजेस ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा इसकी सुनवाई करते हुए, इस पेटिशन की सुनवाई करते हुए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी और भी ऑप्शंस है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मत आइए एंड आपकी जो पेटिशन है वो अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेंडिंग है जिस पर सुनवाई होनी है, आप पहले वहाँ पर जाइए, वहाँ सुनवाई होने दीजिए, अगर वहाँ आपके अगेंस्ट डिसीजन आता है तब जा कर के आप सुप्रीम कोर्ट आइए, वरना आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ कर के सुप्रीम कोर्ट का टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें कही गई है, मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगा, बस इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी उसके हिसाब से फिर बाद में आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा, मेन पॉइंट यही है। तो दोस्तों अभी तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो एक तरह से झटका है ये फेडरेशन ऑफ डीलर्स एसोसिएशन के लिए, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक तरह से सुनवाई करने के लिए ही मना कर दिया कि आपकी जो पेटिशन है वो हम फिलहाल नहीं सुनेंगे, बस उन्हें एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पहले जा कर के अपनी पेटिशन को लेकर के जाइए, लेकर के तो जा रखिए, वहाँ पर सुनवाई होने दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्च तो ऑलरेडी आ चुका है, चालू हो चुका है, 31 मार्च तक के लिए ये रूल है कि 31 मार्च तक नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जब तक ये सुनवाई होगी तब तक काफ़ी टाइम बीत चुका होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब देखिए 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का, लेकिन इस बार वो सिर्फ 30% ही होगा, 30% यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सिर्फ और सिर्फ 30% नॉन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी बचे 70% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये पूरी तरह से जो फाडा को लग रहा है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लग रहा है कि उनके खिलाफ ये नीति बनाई गई है। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की रिपोर्ट, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि चंडीगढ़ ईवी पॉलिसी को लेकर के आखिरकार क्या चल रहा है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है, ये जो न्यूज़ है, ये मैं आपको बता दूँ फ्राइडे की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनवाई की थी फ्राइडे को। अब फ्राइडे के बाद से मैं और भी वीडियोज़ बनाने में लगा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिला इसको, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने को, बट अभी तक इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं आया चंडीगढ़ ईवी पॉलिसी को लेकर के। तो यही था लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो बस होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये पॉलिसी क्या है, कैसी है
और ये क्या लोगों के हित में है, क्या डीलरशिप के हित में है, क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हित में है, या किसी के हित में भी नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। एंड इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखी है, तो मेरे चैनल पर जा करके आप विजिट कीजिए एंड बाकी वीडियोस को भी देखिए। एंड रिवोल्ट को लेकर के, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के मैं दोस्तों वीडियोस बनाता रहता हूँ। एंड आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर इंटरेस्ट है तो ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।